मैं प्रोफेसर श्यामलाल गुप्ता अपने साथी मिस्टर बलविंदर सिंह जी के साथ आज आपके सामने आया हूं। अब सब साथियों को, सब दोस्तों को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमारी पायनियर्स एकेडमी के बहुत सारे कोर्सेज पॉपुलर हैं, लेकिन एक कोर्स सबसे पॉपुलर रहा आज तक, जिसकी लोगों को बहुत ही एक खिंचाव रहता है कि वह हमारे पास आए, अपने बच्चे भेजें, वो है फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज। बहुत सारी यूपीएससी है, जेकेएएस है, नायब तहसीलदार है, कई सेंट्रल लेवल की पोस्ट हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं, वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के। उनके लिए बहुत कम उम्र में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि जब आप ग्रेजुएशन करो तो आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करने में कोई दिक्कत ना हो। मोस्ट ऑफ द जो हमारे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो यूपीएससी और स्टेट लेवल जॉब्स का या जेकेएस के बारे में सोचते हैं कब, जब बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। दिस इज नॉट फेयर। मैं आज ये अनुरोध करने आया हूं पेरेंट्स से और बच्चों से कि जब आप 12th पास करते हैं, ये जो सपना है आईएएस करने का, जेकेएएस करने का, जो कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करने का, जो सपना पेरेंट्स को, बच्चों को देना चाहिए कब, जब वो 12th में पढ़ रहे हैं और जैसे ही 12th पास किया, कॉलेज में स्टार्ट हुआ, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएँ, हम आपकी फाउंडेशन मजबूत करेंगे। अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो आपका कोई भी एग्जाम इजी हो जाएगा। द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रेपरेशंस फॉर यूपीएससी, फॉर जेकेएस, फॉर एनी अदर एग्जाम स्टेट एंड सेंट्रल लेवल इज सून आफ्टर द 12th क्लास, और इसके लिए 2 से 3 साल चाहिए। यह मैं आज क्लियर कर दूं ताकि आपको जनरल स्टडीज और मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पूरा तवज्जो दिया जाए। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो एनसीईआरटी है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बिना एनसीईआरटी के नहीं बनेगी। वो सारी बुक्स जो 6 से 12 तक हैं एनसीईआरटी की, ये वो हिस्ट्री है, वो ज्योग्राफी है, वो पॉलिटी है, वो इकोनॉमी है, वो इकोलॉजी है, वो एनवायरनमेंट है, वो जनरल साइंस है, वो सब हम एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको करवाएंगे, आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इस ढंग से पढ़ाएंगे कि आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया। एक बार आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया, क्योंकि प्लीज मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि बीए के बाद और एमए के बाद मत सोचिएगा केएस और आईएएस का। आपको इन एग्जाम, अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करने का बच्चों को 12th के बाद ही सोचना बहुत लाजमी हो गया। अब तो वही बच्चे आज आप देखें, जितने भी बच्चे आईएएस केएस कर रहे हैं, इनका, इनको ये जो इनके जहन में बात डाली, जब तब डाली गई, उनके पेरेंट्स ने, जा सोसाइटी ने, जा उनके टीचर्स ने, जब वो 12th में पढ़ रहे थे या 11th में पढ़ रहे थे, तभी बच्चों ने ये एक रट लगा दी और जिद कर ली कि हमने सिविल सर्विसेज करना है या कोई भी सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कर। उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या, मैं एक चीज बता दूँ, आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? बिना स्ट्रेटेजी के कुछ काम नहीं होता। स्ट्रेटेजी होती है प्लानिंग, प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आप तुक्काबाजी लगाएंगे, अंधेरे में चलेंगे, नहीं हो सकता। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है, आपको अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से क्या होता है, आपको एक माहौल मिलता है, आपके सारे संगी साथी जो होते हैं बैठ के इस पर डिस्कशन करते हैं, आपके टीचर्स हैं, हम लोग हैं, हम आपको ट्रिक्स बताते हैं, हम आपको आपके टेस्ट लेते हैं, हम आपको जो डिस्कशंस होती हैं उस डिस्कशन में हम आपको बताते हैं कैसे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पास करना है। और इसमें 2 किस्म की स्टडी होती है, जो बलविंदर जी आपको डिटेल में बताएंगे, होता है प्री, एक होता है मेन्स। आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूपीएससी का या जेकेएएस का या जो भी और कोई एग्जाम क्रैक करना है, उसका सिलेबस जरूर देखें। देखो, बिना सिलेबस के बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ, क्या तुमने कभी इस यूपीएससी का या जेकेएएस का या इनका सिलेबस देखा? अगर नहीं देखा तो आप देखिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, ताकि आपके जहन में बात आएगी कि आपने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना, फोकस किसके ऊपर करना।
ये एक स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। उसके बाद आपका जो क्लास होगा, क्योंकि आप तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपका डेली क्लास 4 से 6 होगा, 2 घंटे का डेली क्लास होगा। ये मैं आपको बता दूं आज, क्योंकि आप कॉलेज कॉलेज से फ्री होंगे 8:30 or 4, तो 4 बजे से लेके, और ऑफलाइन भी होगा हमारा और ऑनलाइन भी होगा। जो बच्चे बहुत दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, क्यों सब बच्चे तो जम्मू के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेंगे, कोई उधमपुर में है, कोई डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, कोई पुंछ में है, कोई रजौरी में है, कोई अनंतनाग में है, कोई बारामूला में है, तो वो ऑनलाइन हमारी क्लास ज्वाइन करें। डेली क्लास जो ऑफलाइन होगी वही क्लास हम लोग ऑनलाइन भी देंगे, इट विल बी ए लाइव क्लास। आप लाइव क्लास भी लेंगे हमारी और उसको रिकॉर्ड करके आपको आपके मोबाइल में वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, आप जब मर्जी उसको देखें, आप ऑनलाइन भी ले लें ऑफलाइन भी ले लें। और हमारी जो टीम है, ये हमारी परमानेंट टीम है, अब मैं बलविंदर जी की बात करूं, ये बड़े मंझे हुए टीचर हैं, बहुत ही मंझे हुई फैकल्टी है, इनका बहुत तजर्बा है, और इस तजर्बे का फ़ायदा मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जाने। मैं खुद इकॉनमी पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ हम जैसे लोग, बलविंदर सिंह जी जैसे लोग, जैक शरीफ मिस्टर विक्रम हैं और जो भी हमारी टीम है एक, उनका फ़ायदा जाना चाहिए आप सबको। और हमारा जो फोकस है, मैंने बोला NCERT रहेगा, रीजनिंग होगा, एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा, क्योंकि वो CERT का पार्ट है, और बाकी सब सब्जेक्ट होंगे। रहा क्वेश्चन आपका ऑप्शनल, तो आपको ऑप्शनल भी पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। ऑप्शनल आप ज्योग्राफी रखेंगे, हिस्ट्री रखेंगे, आप सोशियोलॉजी रखेंगे, क्या सब्जेक्ट रखेंगे। और जब आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं ये भी बता दूं, तो जितने भी सब्जेक्ट्स का आप सिलेक्शन करते हैं, मेहरबानी करके वो सब्जेक्ट लें, उनको अलाइन करें विद द सब्जेक्ट्स इन UPSC या JKS। अलाइन का मतलब आप वही, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोशियोलॉजी है, ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेने चाहिए को जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। सारे नहीं लेंगे, 3 लेंगे 2 लेंगे, लेकिन आप वो सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और फिर आपको IAS का सिलेबस के आपके हाथ में है और हमारे यहाँ आप वो सब्जेक्ट दोबारा यहाँ पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया हो जाएगा आपकी, मतलब एक सेकेंड में आप समझ जाएंगे। हम कॉलेज में भी वही पढ़े, हमारे पास भी वही पढ़ रहे हैं, UPSC कहता है यही सब्जेक्ट आपका मेन सिलेबस रहेगा, और जो ऑप्शनल है उसका भी पहले सिलेक्शन हम कर लेंगे पहले, ताकि हम आपको वक्तन फवक्तन उसके बारे में भी स्पेशल लेक्चर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करें। मैं चलते चलते ये भी बता दूं, आपको द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है न्यूज़पेपर, हम बताएंगे आपको इंडियन एक्सप्रेस कैसे पढ़ना है, कौन सा पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, या एक पेपर है द हिंदू, ये 2 पेपर जो है ना, ये तो यार ये कमाल के पेपर हैं फॉर ऑल दीज प्रिपरेशन। और अपने हाथ में एक डायरी रखें, एक कॉपी रखें, पेन रखें, जब हम इन पेपरों को पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके ऊपर लिखेंगे। दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूं, आप रेडिली बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हमने भी अपने इंस्टीट्यूट में स्टडी मटेरियल बनाया है, और मैं आज आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसके 10 बुक्स हैं। इट्स ए वंडरफुल स्टडी मटेरियल विच हैज बिकम हाईली पॉपुलर इन होल ऑफ द स्टेट, होल ऑफ द UT, अब J&K, और बहुत सारे बच्चों ने उस मटेरियल को पढ़ के आज वो क्वालिफाई किया, उन लोगों ने वो भी ले लेंगे आप। उसके अलावा आप अपने नोट्स बनाएंगे, हमारा स्टडी मटेरियल भी लेंगे, बेसिक बुक्स भी लेंगे, जो हम आपको बताएंगे जब आप हमारे पास आएंगे हम उसके बारे में भी बताएंगे। फिर आपका राइटिंग स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए, राइटिंग स्किल, आपको एसे लिखने का स्किल करिए, ऐसे लिखना शुरू करिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम आपको जब मेंस का वो जो क्वेश्चंस होते हैं जब उसकी तैयारी करवाएंगे तो वो भी करना शुरू करें। फिर जो पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ राइटिंग भी शुरू करें, ताकि आपका राइटिंग स्किल अच्छा हो, साफ सुथरा हो, ये बहुत मैटर करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजी, हमारी मेन स्ट्रेटजी है वो ये है, आपको ये समझाना कि कितने घंटे रोज पढ़ना। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों को कितने घंटे पढ़ना, मैं उनको बोलता हूँ 2 घंटे हमारी क्लास पढ़िए, और 2 साल का कोर्स रहेगा हमारा, ये बता दिया आज मैंने आपको, 2 साल, क्योंकि मुझे फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है जो उन बच्चों के लिए जो अभी छोटे हैं, और वो आप 12th पढ़ते भी कर सकते हैं और कॉलेज गोइंग भी कर सकते हैं, जब आपका जी चाहे करें। 2 घंटे रोज क्लास होनी है, और आप घर में जाके टू स्टार्ट विद 2 घंटे इस काम के लिए निकालें और बैलेंस करें। देखो बेटा, याद रखना, मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि स्टडी का बैलेंस रखें, 2 घंटे वो हमारा पढ़ेंगे जो UPSC ने जिसके लिए भी तैयारी करें, और 2 घंटे वो अपना ग्रेजुएशन वाला सिलेबस पढ़ेंगे,
3 घंटे वो पढ़ेंगे, 3 घंटे ये पढ़ेंगे, और थोड़ा सा टाइम आप अपनी एक्सरसाइज के लिए भी रखें और अपना डाइट भी ढंग से लें ताकि आप हेल्दी रहें, आपकी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए, आपके दोस्त भी अकॉर्डिंगली होने चाहिए, यू नो ऑल दीज थिंग्स दे विल मैटर। तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपको कोई 10 घंटे बैठ के नहीं पढ़ना है, वो कब पढ़ना है जब लास्ट में वक्त आएगा पेपर के दिनों में, फिर आप पहले 6 महीने आपको 8 घंटे भी पढ़ना है, लेकिन पहले 2 घंटे आप हमारी क्लास अटेंड करेंगे, 2 घंटे आप घर में जाके वो पढ़ेंगे, और फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे, आप उसको भी देख लेंगे, और फिर अपना कॉलेज का जो पढ़ाई लिखाई होगी वो भी आप अपने घर में 2 घंटे वो भी पढ़ लें। तो कुल मिला के अगर आप 5-6 घंटे रोज निकालें तो मुझे लगता है कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको पीछे करे। अपने नोट्स लिखें, राइटिंग स्किल बढ़ाएं, स्पीकिंग स्किल भी बढ़ाएं, और अपनी पर्सनैलिटी को उभारें, आपके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, और जब आप हमारे पास आएंगे, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं, बहुत जल्दी हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, क्यों भैया अभी तो 12th के पेपर हो रहे हैं, जैसे पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, और पेपरों के बाद इमिजिएटली आप हमारे पास आएँ ताकि आपको हम ज़्यादा समय भी दे पाएंगे, क्योंकि पेपर देने के बाद कॉलेज में आपके क्लासेस शुरू होने से पहले बीच में 2-3 महीने आपको मिलेंगे, उसमें हम आपको ज़्यादा बढ़िया टाइम दे पाएंगे। और आइए आप अपनी एक फाउंडेशन बनाइए, आपकी फाउंडेशन मजबूत है, अगर आपने NCERT पैटर्न की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब पढ़े हैं, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज देना शुरू की, हमारी आप देखें जो शुरू में टेस्ट सीरीज होती है बड़ी सिंपल होती हैं, बड़ी साधारण होती हैं, तो ये सारी जो है ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपकी मदद करेंगे। अब इसमें कुछ बुक्स भी आपको पढ़नी है वो हम बाद में बताएंगे, जैसे मैंने द इंडियन एक्सप्रेस की बात की, द हिंदू की बात की, कैसे पढ़ना है वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, वो आप जब हमारे पास आएंगे बलविंदर सिंह जी, जब बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो आपको बताएंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना, किस पेज के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी, क्या नोट्स लिखने उसके, और देन उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स को आपने चूज़ करने हैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये भी हम अभी को बताएंगे, वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जिसमें आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, क्योंकि ऐसे तुक्का मार के आप सब्जेक्ट नहीं चूज़ करेंगे, नहीं जी आपके कज़न ने वो सब्जेक्ट लिया तो आप भी करेंगे, ऐसा मत करेंगे, वो हम आपके साथ डिस्कशन करके हम देखेंगे आपका एप्टीट्यूड किस में है, वही सब्जेक्ट आपको हम देंगे। अब मैं ये अपना माइक मिस्टर बलविंदर सिंह जी को दूंगा जो आपको बताएंगे कि फर्दर स्ट्रेटजी का पार्ट क्या रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर, दोज हु वांट टू स्टार्ट preparation for the civil services exams, whether it is of the JKPSC or UPSC, तो सबसे जो इसकी initial stage होती है, जैसे सर ने बताया कि after 12th or even after 10th you can start the preparation, तो उसी motive के लिए हमने foundation course once again हम जो है यहाँ पर launch करने जा रहे हैं। foundation course के अंदर हम बच्चों को एक basic level से जो है उसकी शुरुआत होती है, एक जीरो लेवल से जो है हम उनको स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल मींस कि सिलेबस, जैसे UPSC का जो सिलेबस है, जो हमारा JKPSC का सिलेबस है, एटमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है एट प्रेजेंट, तो इस पे हम बच्चों को जितने भी सिलेबस के हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं GS के, लाइक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री जिसमें एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का जो है बेसिक बच्चों को दिया जाएगा, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके फाउंडेशन कोर्स में उनके जो है क्लियर किए जाएंगे। देन इसके साथ करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी बच्चों को नॉलेज दी जाएगी कि करंट अफेयर्स के लिए आपको पेपर्स कौन कौन से पढ़ने हैं और हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर की रीडिंग किस तरह से की जाए, कौन से कंटेंट आपको पढ़ना है, कौन सा कंटेंट आपको छोड़ना है, ये सब गाइडेंस आपको हमारी टीम, हमारी फैकल्टी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगी अंडर दिस फाउंडेशन कोर्स। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इन इंडिया, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि सिविल सर्विसेज की भाई कोचिंग जो है वो दिल्ली में मिलती है। नो डाउट मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स से जो है बच्चे वहाँ पे जाते हैं, बट अगर आप देखें सक्सेस रेट जो है, सक्सेस रेट इज़ वेरी लेस।
सक्सेस रेट इज वेरी लेस. व्हाई? बिकॉज अगर वहाँ पे 10,000 बच्चा गया है तो 10,000 बच्चे में से हार्डली आई थिंक 1,000 और 500 कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पहले ही अपने आप को तैयार करके गए होते हैं, अपनी फाउंडेशन करके गए होते हैं. दे जस्ट गो फॉर 1 year क्रैश कोर्स एंड विद इन 1 or 2 अटेम्प्ट्स दे क्वालिफाई द एग्जाम. तो फाउंडेशन कोर्स का अगर बच्चे इसको राइट टाइम पे शुरू करेंगे जस्ट आफ्टर 12th क्लास, 2 years यहां रहेंगे, देन इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन गो टू दिल्ली फॉर द क्रैश कोर्स. अगर कोई डायरेक्टली दिल्ली क्रैश कोर्स के लिए जाएगा दैट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम. यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम विद इन 1 or 2 अटेम्प्ट. दैट विल टेक यू अराउंड 5 to 6 ईयर्स टू क्वालिफाई द एग्जाम, 5 to 6 अटेम्प्ट. सो माई डियर फ्रेंड्स, कम एंड ज्वाइन अवर फाउंडेशन कोर्स. और इसके लिए मैं थोड़ा आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा. आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम. सो फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट वन इज योर प्रीलिमिनरी एग्जाम. द प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स. इसमें 2 पेपर होते हैं. फर्स्ट GS paper 1 and second GS paper 2 which is CSAT which we call Civil Services Aptitude Test. GS paper 1 in the prelims it consists of 100 questions and each question carries 2 marks. That means total aapka jo GS paper 1 hoga objective base that will be of 200 marks with negative marking 1/3, that is 0.66. Another paper, that is paper 2, CSAT paper 2, that paper will consist of 80 questions. Usme 80 questions hote hain aur marks 200 hi hote hain aur negative marking bhi 1/3 hi hoti hai. Second paper jo aapka hai CSAT ka, wo sirf qualifying nature ka hota hai. That means you have to get only 66% marks of 200. That means 66 marks, 33%, sorry. You have to get the 33%. That is 66 marks. जो आपकी selection होगी वो होती है GS paper 1 के base पे. Then second stage of this exam is mains examination. So far as mains exam is concerned, UPSC में इसके 7 पेपर्स होते हैं और स्टेट लेवल पे हमारी JKPSC में इसके 6 पेपर्स होते हैं. UPSC में लैंग्वेज पेपर जो है रीजनल लैंग्वेजेस का, वो एक एक्स्ट्रा पेपर होता है विच इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. बट एट द स्टेट लेवल इन JKPSC वो रीजनल पेपर नहीं होता है. दिस इज द डिफरेंस. रेस्ट ऑफ द पेपर्स आर सेम एंड द सिलेबस इज टोटली सेम. GS पेपर 1 की अगर हम बात करें मेंस की, तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये इसका पार्ट रहता है. देन GS पेपर 2 की बात करें मेंस की, GS पेपर 2 में हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. देन उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस रहते हैं हमारे, सोसाइटी रहती है, गवर्नेंस रहता है. This is the part of the GS paper 2. Then GS paper 3 of the mains, jisme hamara economic development, science and technology, security, disaster management, that will remain the part of your GS paper 3. Then GS paper 4 of the mains, that is ethics, aptitude and integrity. Ethics based with wo paper hota hai, ethics ka. To ye jo mains hota hai, this is subjective and your prelims is objective. एंड इन 4 पेपर्स के अलावा और 2 पेपर, और UPSC में 3 और पेपर होते हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि रीजनल लैंग्वेज का एक पेपर होता है, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है एंड द एसे पेपर होता है. सेम इन द केस ऑफ JKPSC, यहां पे सिर्फ 6 पेपर्स होंगे. जो रीजनल लैंग्वेज पेपर है वो पेपर इस पे नहीं होता है. एंड द थर्ड स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज द इंटरव्यू स्टेज. UPSC में
इंटरव्यू जो है 275 मार्क्स का होता है, स्टेट लेवल पे हमारा जो है 250 मार्क्स का होता है, बट द मेंस एंड द प्रीलिम्स सिलेबस फॉर द JKPSC एज वेल एज द UPSC इज सेम. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फाउंडेशन कोर्स वेरी सून, बहुत जल्द हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो कम एंड ज्वाइन अवर कोर्स एंड गेट द सक्सेस. थैंक यू वेरी मच.